नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो वेदर है बहुत बहुत ज्यादा ड्राई हो चुका है, अब ठंड आ चुकी है, और इससे जो नॉर्मल और ड्राई स्किन वाले लोग हैं उनकी स्किन और भी ज्यादा अब ड्राई हो चुकी है। तो ड्राई होने की काफी सारी वजह होती है। एक तो वेदर ऐसा है और कुछ हमारी जो रूटीन की चीजें होती हैं उनकी वजह से भी हमारी त्वचा का रूखापन बढ़ जाता है। तो हमें पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हम ये सारी चीजें ना करें जिससे कि हमारी स्किन का रूखापन ना बढ़े। और दूसरा, हमें कुछ चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी है, अपने डेली रूटीन में ऐड करनी है, जिससे कि जो हमारी स्किन है उसकी नमी बरकरार रहे, उसका जो लचीलापन है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बरकरार रहे और हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहे। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर 1, आपको गर्म पानी से नहीं नहाना। गर्म का मतलब है कि कोई कोई लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं। आप गुनगुना पानी ले सकते हो, लेकिन बिल्कुल ठंडा पानी में यूज नहीं करना है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, जो शहरों में टंकियों का पानी होता है ना, बिल्कुल बर्फ के समान होता है, तो वो भी यूज नहीं करना है। जो धरती माता के गर्भ से पानी निकलता है, गांव में जो नलके होते हैं, हैंडपंप होते हैं, या शहरों में बोरिंग्स लगा लेते हैं लोग, तो वो जो पानी निकलता है उसका जो टेम्परेचर होता है उससे आप नहा सकते हो, ताजे पानी से। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो टंकी का पानी है आप जब उससे गर्म करते हो गीजर से या किसी और अन्य साधन से, तो आपको उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं रखना। नहाते वक्त आपको गुनगुने पानी से ही नहाना है। नंबर 2, आपको साबुन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, किसी भी ब्रांड की हो, कितनी भी महंगी हो। हम लोग विज्ञापनों से प्रभावित होकर ये समझते हैं कि ये जो फला फला कंपनी है, इसकी जो साबुन है या इसका जो फेस वॉश है, ये सो फ्री करके ये हमें सेल कर रहे हैं, तो ये हमारे स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबसे ज्यादा जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है वो पहुंचाती है साबुन और जो ये फेस वॉशेज होते हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि पहले हमारी इस कंपनी की इस वाली साबुन से नहाओ या इस वाले फेस वॉश से फेस वॉश करो, जैसे ही आप नहा लेते हो या फेस वॉश कर लेते हो तो उसके बाद आपको हमारी ही कंपनी का ये वाला मॉइस्चराइजर लगाना है। फिर इसके साथ ही साथ ये वाला आप सीरम लगा सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो वो अपनी एक 4-5 प्रोडक्ट की आपको एक लिस्ट पकड़ा देते हैं कि जी अब आपको ये करना है, पहले ड्राई करो हमारे सामान से अपनी स्किन को, उसके बाद हमारा ही प्रोडक्ट आप यूज करो, उससे मॉइस्चराइज करो, और फिर सीरम वगैरह लगा के उसे अपनी स्किन को ग्लोइंग करो। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ बाजारवाद है, सिर्फ मार्केट है, ये और कुछ नहीं है। हमें अगर नेचुरल तरीकों पे जाना है तो सबसे पहले हमें साबुन बंद करनी है। मैं भी साबुन से कई साल से नहीं नहाई हूं, जब से मैं अवेयर हुई हूं तो मैं भी कई साल से साबुन से बिल्कुल नहीं नहाई हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारी स्किन को एज करती है वो करती है साबुन और फेस वॉशेज। तो किससे फेस धोना है और किससे नहाना है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूं। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तीसरा, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें प्यास कम लगने लगती है, हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं। हम गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में बहुत कम पानी पीते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जितना पानी हम गर्मियों में कंज्यूम करते थे उतना ही हमें सर्दियों में भी करना है। सर्दियों में भी हमें भरपूर पानी पीना है। जो हमारी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सूखी ना होके तरी वाली रहें, और जो फल है वो जूसी फल हम ज्यादा खाएं, क्योंकि गर्मियों में तो तरबूज है, खरबूजे हैं, और बहुत सारे हम शेक्स पीते हैं, उनसे हमारे जो बॉडी का वाटर लेवल है वो अच्छा रहता है। सर्दियों में हम क्या करते हैं, शेक्स वगैरह नहीं पीते, मिल्क शेक कोई भी, क्योंकि ठंडा होता है। तो हमें क्या करना है, अगर हम फल खा रहे हैं तो हमें जूसी फलों को, जैसे संतरे, कीनू और अंगूर, इस तरह के फलों को ज्यादा खाना है। और अब बात करते हैं कि हमें कैसे अपनी त्वचा का ख्याल रखना है जिससे कि हमारी नमी बरकरार रहे और मॉइस्चराइज हमारी स्किन रहे और हमारी जो एजिंग है वो डिले हो, हमारे चेहरे पे और हमारी स्किन पे झुर्रियां बहुत बहुत लेट आए। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आपको दिन में 2 बार नाभि और नाक में तेल लगाना है सरसों का, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो सरसों के तेल से बेहतर कोई नहीं है।
वैसे आप तिल का तेल या बादाम का तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सरसों का तेल हर घर में अवेलेबल होता है, हर किसी के घर में, तो ये सर्व सुलभ है। सबसे पहला जो उपाय है, हमें दो टाइम, एक तो सुबह नहाने के बाद और एक रात को सोने से पहले, हमें अपनी नाक में थोड़ा गुनगुना करके एक एक बूंद तेल डालना है। तेल कोई भी यूज कर सकते हैं आप। और हमें अपनी नाभि में थोड़ा सा तेल लगा के उसे थोड़ी देर रब करना है। उपाय नंबर दो, हम नहाने से कुछ देर पहले, लोग नहाने से कुछ देर पहले थोड़ी तैयारी करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहाने से कुछ देर पहले हमें थोड़ी सी मलाई अपने हाथ पे रखनी है, एक चम्मच मलाई ले लें और उसमें चुटकी भर, सिर्फ चुटकी भर, ऐसा नहीं है कि चम्मच भर के ले लिया, आधा चम्मच डाल लिया, जो उससे स्किन पीली पीली हो जाती है, सिर्फ एक पिंच इस तरह से डब्बे में हाथ डाला, एक पिंच हल्दी ली और उस मलाई में डाली और वो मिक्स की और अपने पूरे फेस पे, अपनी गर्दन पे और अपने जो हाथ खुले रह जाते हैं हमारे, क्योंकि जहां जहां कपड़े होते हैं वहां तो हमारे ना टैनिंग होती, ना हमारा रंग सांवला होता, ना झुर्रियां पड़ती हैं इतनी जल्दी, जो जो भी अंग हमारा खुला रहता है वो वेदर के संपर्क में आके, धूप के संपर्क में आके टैन भी होता है और वहां पर झुर्रियां भी बहुत जल्दी आती है। तो जो जो हमारे अंग खुले रहते हैं उन पे उनको लगा के 5 मिनट मसाज करके छोड़ दो। मेरा अपना रूटीन होता है, मैं नहाने से पहले ब्रश करती हूँ, तो जितना देर मैं ब्रश करती हूँ उतना देर लगा के छोड़ दो। आप अगर घर पे महिलाएं हैं या भाई हैं, जो पुरुष है, नहाने से पहले अगर उन्हें और कोई काम निपटाने हो तो ये करने के बाद वो अपना काम कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रीबाथ प्रक्रिया है, इसको आप प्रीबाथ के रूप में ले सकते हैं। तो इसे आप लगाकर छोड़ दीजिए थोड़ी देर मसाज करके, 5 मिनट ही करनी है, ज्यादा नहीं करनी। इसके बाद आप जब नहाने जाएं तो आपको एक कटोरी में 1-2 चम्मच लेना है बेसन। आप मोटा बेसन भी ले सकते हैं, उससे तो स्किन स्क्रब भी हो जाएगी। ये यंग बच्चे करें, जो मेरी एज के हैं 45-40 साल के लोग, वो स्क्रब ना करें अपनी स्किन को कभी भी, वो मोटा बेसन ना ले, वो सिर्फ बारीक बेसन ले। तो 2 चम्मच बेसन और 4-5 चम्मच उसमें दूध। आप कई लोग पूछते हैं कि दूध उबला हुआ लेना है कि कैसा लेना है, कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो जो कैसा भी दूध ले लें, उबला हुआ रखा है फ्रिज में या वो आपने अभी उबाला है और वो थोड़ा गुनगुना है वो भी ले सकते हैं, उसको आप मिक्स कीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद भी ले सकते हैं, वरना तो बेसन और दूध ही काफी है। आप इसको घोल लीजिए और अपने पूरे फेस, गर्दन, हाथ, जब जहां पूरी बॉडी पे आपको साबुन लगानी होती है वहां लगाइए, और इसके बाद आप अपने बॉडी को रब करना शुरू कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि छोड़ना है, उबटन की तरह सुखाना है फिर आप करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। बस जैसे आप साबुन से नहाते हैं उसी तरह से आपको बेसन और दूध से नहाना है। साबुन तो आप लगाकर बहुत देर छोड़ भी नहीं सकते, आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाएगी, लेकिन ये तो आप लगा के भी छोड़ सकते हैं। अब आपने ये लगाया एक तरफ से और दूसरी तरफ से फिर वो मलना शुरू किया, और आपको 5-7 मिनट रगड़ने के बाद आप वॉश कर लीजिए, गुनगुने पानी से नहा लीजिए, और नहाने के बाद आपको चेहरे को तौलिए से रगड़ के साफ नहीं करना है, सिर्फ चेहरा और गर्दन छोड़ दीजिए, ऐसे ही पूरा बॉडी को अच्छे से तौलिए से सुखा के कपड़े पहन लीजिए और चेहरे को हाथों से इस तरह थपथपा कर सुखा लीजिए, क्योंकि जो वो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो जो आपने मलाई लगाई है नहाने से पहले और आपने नहाने में दूध यूज किया है, तो आपकी स्किन कुदरती मॉइस्चराइज हो जाएगी, आपकी स्किन में नमी आ जाएगी, आपकी त्वचा रूखी नहीं होगी, वो साबुन से नहाने पे होती है या बहुत ज्यादा गर्म पानी से होती है, तो मॉइस्चराइजर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं खुद कभी भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाती। तो ये आपको इस तरह से नहाने की प्रक्रिया करनी है, आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो यंग बच्चे हैं उनके लिए तो इतना ही काफी है, इनको आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। ये सब करते रहेंगे उनकी स्किन की जो नमी है वो हमेशा ही बरकरार रहेगी, बहुत अच्छी उनकी स्किन की क्वालिटी रहेगी। अब जो लोग बड़े हो चुके हैं, मेरी एज के हैं, मेरी 46 एज है, तो जो लोग बड़े हो चुके हैं, मैं उनके लिए स्पेशल एक सीरम बता रही हूं जो कि मैंने घर पे खुद तैयार किया है।
मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था लास्ट विंटर्स में, जिसमें मैंने एक सीरम तैयार किया था और जो बाजार में मिलने वाले बहुत महंगे महंगे कई कई हजार रुपए के कुमकुम आदि तेलम से भी बेहतर ये सीरम है, जिसमें मैंने बादाम तेल, तिल तेल, नारियल तेल, विटामिन ई के कैप्सूल वाले जो तेल है वो भी डाला था, गाजर, केसर और ऑरेंज जेस्ट डाला था, मुलेठी, कुछ कुछ चीजें डाल के मैंने वो बहुत ही बेहतरीन सीरम बनाया था और उसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरा रूटीन बहुत हेक्टिक होता है, मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है अपनी स्किन की केयर करने के लिए। मेरे साथ क्या होता है कि मैं डेली लगा भी नहीं पाती। रात को सोने से पहले आप वो सीरम जरूर लगाएं, आई बटन में उसका लिंक देखिए, बहुत आसान है बनाना, रियल में बहुत आसान है। जब आप उसे बनाओगे तो आपको खुद हैरानी होगी कि इतनी आसानी से कोई ऑयल या कोई सीरम बना सकते हैं जो एंटी एजिंग की तरह हमारी स्किन पे काम करता है और जो हमारी चेहरे की झुर्रियां पहले से अगर आ गई हैं वो भी चली जाएंगी और आगे आने की पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो वो सीरम आप लगाइए और उसका रिजल्ट देखिए, आपको 2-3 दिन में कितना गजब का आपको रिजल्ट दिखेगा। और मैं खुद, मुझे कई बार क्या होता है 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं मुझे लगाए हुए और बस एक बार जो लगाया वो चल जाता है, लेकिन अगर मैं डेली लगाती हूँ तो मैं खुद पाती हूँ कि मेरी जो स्किन है ना एकदम बच्चों की तरह एकदम सॉफ्ट हो गई। सही है। तो चलते चलते मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, एक स्पेशल योग मुद्रा भी है। अगर हम लगातार वो योग मुद्रा करते हैं तो उससे हमारी स्किन का मॉइस्चर बढ़ता है और हमारी जो स्किन है पूरी लाइफ कभी भी उस पे झुर्रियां नहीं पड़ती। पुराने जो ऋषि महर्षि और पुराने समय के जो लोग होते थे जिनके बारे में सुना जाता था कि वो कई कई सौ साल पुराने हैं, तो उनकी ये क्रिया है, उनका ये प्रयोग है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि अगर मैं उसके अभी फायदे भी बताऊंगी, उसको करने की विधि भी बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, लोग बोर हो जाते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा टाइम निकालकर, उसमें मैं आपको योग मुद्रा बताने वाली हूँ जिससे हमारी स्किन का मॉइस्चर कुदरती रूप से बढ़ेगा और हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना और कमेंट में मुझे बताना ये वीडियो कैसी लगी। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, जिस भी टॉपिक पे आप कहेंगे वीडियो जरूर बनेगी। अगर आपको लगता है कि लेट हो गया है तो उसके लिए मुझे पहले से ही माफ कीजिए, वीडियो बनेगी जरूर आप जिस भी टॉपिक पे सजेस्ट करोगे। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।